राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है प्रिय पुनिया के ऊपर होगी। बांग्लादेश के खिलाफ जो है 3 मैचों की T20 और ODI सीरीज़ के लिए जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है ऐलान कर दिया गया है। 9 जुलाई से जो है बांग्लादेश के मीरपुर स्थित शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेले जाने हैं। उनमें जो प्रिया पुनिया को जो जगह मिली है। प्रिया पुनिया जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने छोटे से गांव से लेकर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफ़र जो है तय किया है। माँ की मौत के बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारने वाली प्रिया पुनिया की जो पूरी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। प्रिया पुनिया के पिता सुरेंद्र पुनिया ने जो है बताया कि उनकी बेटी का चयन होने पर जो है परिवार में जो खुशी का माहौल है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दाएं हाथ की स्टार बल्लेबाज हैं प्रिया पुनिया। उनकी मेहनत के पीछे जो पिता सुरेंद्र पुनिया का हाथ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जो है कार्यरत सुरेंद्र पुनिया ने जो है बेटी प्रिया को जो है क्रिकेटर बनाने के लिए जो है अपना 22 लाख का घर तक बेच दिया था और जो है अपनी बेटी के लिए जो है खेत में जो है ग्राउंड तैयार किया था ताकि वह जो है प्रैक्टिस कर सके। प्रिया पुनिया का जन्म जो 6 अगस्त 1996 को राजस्थान के चूरू जिले के जड़ाऊ गांव में हुआ था। प्रिया की मां का नाम जो है सरोज पुनिया। कोरोना महामारी के दौरान जो उनका निधन हो गया। उनके भाई राहुल पुनिया भी जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। प्रिया पुनिया जो बेहद खूबसूरत क्रिकेटरों में से एक है। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए जो बेल आइकन को जरूर दबाएं।